और ये है गुरियाल का वृक्ष। और हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। चीड़ के जंगलों में भमोरे का पेड़ जम जाए तो बात ही क्या है। दोस्तों देखो ये है आंवला का पेड़। आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि आप देख रहे हैं आज मेरे गांव की पाठशाला की पूरी टीम जंगलों में हरेला पर्व के अवसर पर पेड़ लगाने पहुंच चुकी है और साथ ही एक अभियान की शुरुआत भी कर रही है जिसका नाम है मेरा गांव मेरा जंगल। और इस अभियान के तहत हमने विभिन्न प्रकार के पौधे आज हम लगाने जा रहे हैं जिसमें से हैं बुरांस है, देवदार है, बांझ है और भमोरा। भमोरे के पौधे भी हमारे पास हैं तो ये सारे पौधे आज हम अपने जंगलों में लगाएंगे इस अभियान के तहत। और साथियों आप भी हमारे इस अभियान से जुड़े और अगर आप अपने नज़दीक कहीं इन पेड़ पौधों को लगाते हैं तो प्लीज़ उनकी फ़ोटो भी हमको शेयर करें। हमारी मेल आईडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है और हमारे यूट्यूब चैनल मेरे गांव की पाठशाला को भी सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे गांव की पाठशाला में। और आज मेरे गांव की पाठशाला के सारे मेंबर काफ़ी खुश हैं और इस खुशी को हम आप लोगों के साथ साझा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं क्योंकि आज आपके प्यार और सपोर्ट के बदौलत मेरे गांव की जो पाठशाला है वो 500 परिवार तक पहुँच चुकी है। यानी कि हमारे इस चैनल पर 500 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज का जो सेलिब्रेशन है वो केक काटकर नहीं किया जाएगा, जबकि ये जो सेलिब्रेशन है हम आप लोगों को एक ऐसी भेंट देने जा रहे हैं जिसकी आपको ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को आवश्यकता है। और एक छोटा सा संदेश मेरे गांव की पाठशाला की ओर से हम सभी श्रोतागणों को देना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया का सरदर्द बना हुआ है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो लगातार दूषित होता जा रहा है और इस प्रदूषण को रोकने के लिए हम वो कदम नहीं उठा रहे हैं जो हमें उठाने चाहिए या फिर कहें कि उस तीव्रता से जिस तीव्रता से हमें उठाना चाहिए। यही कारण है कि लगातार आप देख रहे हैं ग्लेशियर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर उठ रहा है, वर्षा अपना चक्रण बदल रहा है और जहां पानी की कोई भी कमी नहीं होती थी आज वो क्षेत्र बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। आप न्यूज को अगर फॉलो करते हैं तो यूरोप जिसे हरा भरा यूरोप कहा जाता था आज मरुस्थल की ओर बढ़ रहा है। वहां लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, यहां तक कि अपने गाड़ियों को धोने तक के लिए उनके पास पानी नहीं है। और हम लोग आज खुश क्यों है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि यार यहाँ पानी की कमी होगी और ना ही यहाँ एनवायरमेंट कभी दूषित हो सकता है, यही सोच रखी थी यूरोप के लोगों ने। और आज आप नतीजा देखिए, उनके पास पैसों की कमी नहीं है लेकिन उनके पास जो कमी है वो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पीने के लिए पानी। और यूरोप एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है कि हम अपनी सोच को किस प्रकार से आगे प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि ये संकेत जो है हमारे लिए काफ़ी है सजग होने के लिए कि कहीं ना कहीं हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा अपने एनवायरमेंट पे भी ज़्यादा फोकस करना पड़े। और यूरोप का जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया है ये एक अच्छा संकेत है हमारे लिए सजग होने का, क्योंकि हमें कभी भी ये गुरूर नहीं करना है कि हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं। अगर हम भारत की बात करें तो पहले कहा जाता था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा, क्योंकि यहां डाल भी हुआ करती थी और सोने की चिड़िया भी हुआ करती थी। लेकिन आज का जो माइंडसेट है वो सोने की चिड़िया को पाने की ओर ज़्यादा है, यानी कि हम संसाधनों की ओर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वो जो डाल है जो शोभा बढ़ाता है उस चिड़िया की वो डाल हम खोते जा रहे हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 4 महीने पहले हमने मेरा गांव और मेरा जंगल एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसके अंतर्गत हमने पेड़ लगाए थे और आज बड़ा ही खुशी का दिन है। हम आप लोगों के साथ कहने में मतलब इतने उत्साहित हैं कि हमने जितने पेड़ लगाए थे उनमें से अधिकांश पेड़ों ने जड़ पकड़ ली है। बच्चों ने जो संदेश देना चाहा है उसको भी कृपया आप लोग सुने और आपका फिर से हम बहुत बहुत पूरी मेरे गांव की पाठशाला की टीम धन्यवाद करती है और अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखना। हेलो साथियों, ये भमोरे का पेड़ है और हमने 4 महीने पहले ये पेड़ लगाया था।
चार महीने पहले हमने इसको लगाया था, तो देखो अब ये हरा भरा भी हो चुका है। चार महीने तक हमने इसकी देखभाल की, तब जाके ये इतना बड़ा हो चुका है। अगर जो निरंतर इसकी देखभाल करेंगे तो तब जाके ये धीरे धीरे करके फल देने भी लग जाएगा। तो ऐसे पौधे हमने बहुत सारे लगाए हुए हैं, तो वो भी उनकी भी हम देखभाल करते रहते हैं। तो अगर जो हम उनको भी ऐसे, जैसे अब इनमें खाद भी डालेंगे, हम आज हम इन्हें गोड़ने के लिए आए थे जंगल में, तो जंगल में आज हम इसे गोड़ने के लिए आए, तो आपका प्रयास रहा कि आपने हमारे YouTube चैनल पे 500 सब्सक्राइबर भी कर दिए। तो आपके इस दौरान आज हम इन पेड़ों की गोड़ने के लिए आज हम यहाँ आए हैं, जो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इस वीडियो को देख के हमारे चैनल को पसंद अगर जो आप करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे गांव की पाठशाला में, और ये है गुरियाल का वृक्ष, जो हमने चार महीने पहले हमने अभियान चलाया था मेरा गांव मेरा जंगल, उसमें हमने ये पेड़ लगाया था। और आज चार महीने हो चुके हैं और हम निरंतर इन पेड़ों की देखभाल करते आ रहे हैं, और आज हम ऐसे ही आ रखे हैं। हम रोज़ इन पेड़ों में पानी डालने आते ही रहते हैं, जिससे इन पेड़ों की अच्छे से देखभाल हो सके और जो हमारा अभियान है मेरा गांव मेरा जंगल वो एकदम अच्छी तरीके से चल सके। और यही भेंट आज हम आपको करना चाहते हैं, क्योंकि आज आपने हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं। आप सभी से अनुरोध है हमारा कि आप भी हमारी तरह और वृक्ष लगाएं, जिससे चीड़ के पेड़ों के साथ कुछ और पेड़ भी उग सके। तो धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे गाँव की पाठशाला में, और आज जो है मेरे गाँव की पाठशाला के 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और इस उपलक्ष्य में हमने जो है चार महीने पहले मेरा गांव मेरा जंगल एक अभियान चलाया था, और हमने ये देखा है कि जितने भी हमने पेड़ लगाए हैं अधिकतर पेड़ों ने जड़ पकड़ ली है। और आज चार महीने के बाद ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ये काफल का पेड़ है, और जब हम काफल का पेड़ लाए थे तो हर किसी ने कहा था कि उस जंगल में काफल का पेड़ नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, चीड़ का जंगल है। लेकिन आज आप देख सकते हो ये कितना हरा भरा है, और ये जो है निश्चित रूप से ही बड़ा होगा, क्योंकि जो चीड़ का जंगल होता है अधिकांशतः यहाँ पे केवल अकेला चीड़ ही पाया जाता है, दूसरे पेड़ नहीं पनपते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक छोटा सा एरिया लिया है जितना हमसे बन सका है, और उस छोटे से एरिया में हमने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर पेड़ लगाए थे, और ये एक्सपेरिमेंट हमारा निश्चित रूप से सफल हुआ है। काफ़ी सारे जो पेड़ पौधे हैं आपको वीडियो के दौरान भी दिखाई देंगे, और उन पेड़ों ने जो है जड़ पकड़ ली है, और जब ये बड़े होंगे तो यहाँ पे केवल चीड़ ही चीड़ नहीं रहेंगे, बल्कि अन्य प्रकार के जो वृक्ष हैं वो भी यहाँ पर उगेंगे, और एक कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे पेड़ पौधों का, जो एक जंगल की परिभाषा होती है। क्योंकि अगर हम केवल चीड़ के जंगल की बात करें तो ये हमारे लिए उतने उपयोगी नहीं होते हैं जितने बांज बुरांस और काफल के पेड़ होते हैं। अगर हम काफल के पेड़ों की बात करें तो गांव में अधिकतर बंदर होते हैं, और हमारे जंगलों में अगर फलदार पेड़ पौधे उगे रहेंगे तो जो बंदर है या जंगली जानवर है वो गांव की तरफ कम आएंगे। तो इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ये अभियान हमने चलाया था, और आज जो है आप लोगों के सहयोग से हम इसमें निश्चित तौर पर सफल हुए हैं।